हुंडई वर्ना को लॉन्च हुए अभी कुछ ही समय हुआ है और गाड़ी को काफी सारे सेडान लवर्स पसंद भी कर रहे हैं, जिसमें रिसेंटली कुछ चैनल्स पर ड्रैग रेस में अपने सेगमेंट की स्लापिया वर्चस जैसी गाड़ी से ये काफी आगे निकल गई थी। पर काफी लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और वो कह रहे थे कि ये रेस प्लान थी। पर हमारे हिसाब से ये कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कार खरीदते वक्त, अनटिल एंड अनलेस ये गाड़ी आप रेसिंग ट्रैक में भगाने वाले हैं। पहला क्राइटेरिया सेफ्टी होना चाहिए, जिसमें वर्चस और स्लाविया काफी आगे हैं और प्रूवन मोस्ट सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया है आज की डेट में। दूसरी तरफ ह्यूंडई वर्ना का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, हालांकि लोग नई गाड़ी की डिलीवरी लेते ही खुद से इन कार का क्रैश टेस्ट करते नजर आते हैं। आज बिल्कुल नई 2023 वर्ना का एक पहला मेजर एक्सीडेंट डिलीवरी के बाद सामने आया। ये पिक्चर मिस्टर विशाल ने हमारे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करी थी। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। ये एक्सीडेंट सेक्टर 86 गुड़गांव से रिपोर्ट किया गया, जो आज सुबह ही हुआ है। पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है कि गाड़ी का कंट्रोल खोकर गाड़ी गड्ढे में गिर गई, जिसमें गाड़ी का फ्रंट बम्पर, बोनट और साइड फेंडर डैमेज हुआ है और सारे एयरबैग्स यहां डिप्लॉय हो गए। गाड़ी कुछ इस तरह से लैंड हुई है कि यहाँ गाड़ी के चेसी पर कुछ ज्यादा डैमेजेस नहीं पहुंची होंगी, बाकी केबिन पूरी तरह इंटैक्ट है। होपफुली यहाँ पैसेंजर को भी ज्यादा इंजरीज ना आई हो। हालांकि मिस्टर विशाल का कहना था कि 4 घंटे तक गाड़ी के पास कोई भी इसे रेस्क्यू करने नहीं आया था और आसपास उन्हें टायर के निशान भी नहीं दिखे, इसलिए उन्हें लगा इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए यहाँ एक्सीडेंट के बाद गाड़ी गड्ढे में डाल दी गई हो। अब ये बिल्कुल नई गाड़ी थी और ऐसी पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि इंश्योरेंस तो कहीं पर भी एक्सीडेंट हो उन्हें मिलना चाहिए। पर यहाँ गाड़ी अनकंट्रोल जरूर हुई होगी, जो सड़क से काफी दूर इस तरह से गड्ढे में आ गिरी। ऑल ओवर वर्ना ने पहले हुए एक्सीडेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि लैटिन एनकैप, जिसमें स्लाविया 5 स्टार ला चुकी है, वहां वर्ना को 0 स्टार मिले थे। तो बिना क्रैश टेस्ट के कुछ भी दावे के साथ कह पाना काफी मुश्किल है और हमारे हिसाब से सेगमेंट में फिलहाल पहली चॉइस वर्चस या स्लाविया होनी चाहिए, एज वो प्रूवन सेफ कार्स हैं। बाकी आपके क्या सोचना है मिस्टर विशाल की थ्योरी के बारे में, क्या एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी को गड्ढे में डाला गया होगा और वरना कितनी सेफ निकल कर आएगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।